वृद्ध थीं। एनी फ्रैंक की मृत्यु के महज 10 साल से भी कम समय के बाद 1954 में बारबरो कार्लिन का जन्म स्वीडन में ईसाई माता पिता के घर हुआ। जब वह 3 साल से कम उम्र की थी तो बारबरो ने अपने माता पिता को बताया कि उसका नाम बारबरो नहीं बल्कि एनी फ्रैंक है। बारबरो के माता पिता को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एनी फ्रैंक कौन थी, क्योंकि वे एनी फ्रैंक डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नामक पुस्तक से अनजान थे, जिसे द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के नाम से भी जाना जाता है। उसके माता पिता चाहते थे कि वह उन्हें माँ और पा कहकर बुलाए, लेकिन बारबरो को पता था कि वे उसके असली माता पिता नहीं थे। बारबरो ने अपनी माँ से यहां तक कहा कि उसके असली माता पिता जल्द ही उसे लेने आएंगे और उसे उसके असली घर ले जाएंगे। अपने बचपन के दौरान बारबरो ने अपने माता पिता को एनी के रूप में अपने जीवन के बारे में विवरण बताया, जिसे